दोस्तों मार्केट डिलीवरी में हम लोग देखेंगे कि 16 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में कुछ मोमेंटम आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो ये वीडियो आप आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक गुरु दीपक चैनल में आपका स्वागत है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के ऊपर हम लोग ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाते रहते हैं, डेली व्यू वीकली व्यू और एजुकेशनल वीडियोस रहते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, वो देख के आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। और दोस्तों आने वाला सैटरडे 20 तारीख को हमारा एक फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि दो घंटे का रहेगा। जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसके डिटेल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए हम लोग चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि 16 जुलाई को मार्केट कैसे रहेगा। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो आपने मेरा वीकली वीडियो भी देखा होगा, तो वहां पे मैंने आपको जो लेवल बताए थे तो वो लेवल आप लोग आज कैसे वर्क हुए वो भी देखेंगे, और कल के लिए हमको क्या क्लू रहेगा वो भी हम लोग देखेंगे निफ्टी के ऊपर। पहला तो देखिए कि यहाँ पे आपको मालूम है, अगर आप वीडियो मेरे रोज फॉलो कर रहे हो तो जैसे कि मैंने ये रेड में जो मैं लाइन निकालता हूँ वो इंपॉर्टेंस लेवल रहता है। जैसे कि यहाँ पे अपना जो इंपॉर्टेंस लेवल है 11,615 या 16,1547 है, इसलिए तो यहाँ पे देखिए आज मार्केट बराबर वहीं पे गया था लेकिन वहां से वह रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंस लेवल है। यहाँ पे जब भी इसके ऊपर रहेगा यानी कि 11,616 के यहाँ पे ऊपर जाके सस्टेन होगा तो ये ऊपर जा सकता है 11,670 और ऊपर वाला जो लेवल्स है 11,739 और 11,774। तो ऊपर जाने के लिए ये बहुत हर्डल है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है दो दिन से यानी कि फ्राइडे को और आज भी वही लेवल में जाके ये थोड़ा रिवर्स हो रहा है। तो एक ये लेवल है, अगर ये पार होता है तो ये समझेंगे कि मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो गया, और ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि एक अच्छा लेवल जो है ऊपर वाला जो मैंने वीकली में बताया था 11,774, ये बहुत ही अच्छा लेवल, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होना चाहिए। अगर नीचे का लेवल है, जैसे कि आज एक बार नीचे भी गया था जहाँ पे शॉर्ट आता 11,550, तो आज मार्केट थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल था और जो चार्ट बन रहा है इंट्राडे में इतना अच्छा नहीं बन रहा था। लेकिन कल के लिए मैं आपको एक और भी लेवल बताता हूँ चार्ट इंट्राडे के चार्ट के ऊपर जाके हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डबल बॉटम लिया था जो लेवल है वो है 11,532, तो इसके नीचे भी अगर आप इंट्राडे में कल शॉर्ट करते हैं तो एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो यहाँ पे 11,550 पहला लेवल है शॉर्ट के लिए, उसके नीचे अगर एक अच्छा खासा शॉर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 11,532 के नीचे, क्योंकि आज वहाँ से दो बार मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। तो ये जो लेवल है आप कल भी याद रखना, अगर कल पॉजिटिव जाना है तो 11,615 के ऊपर, ये लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, जाने के बाद सस्टेन होने के बाद रिवर्स होगा तभी बाय करो, क्योंकि ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंस लेवल है, यहाँ पे जाके मार्केट रिवर्स बार बार हो सकता है। जैसे आज देखो मॉर्निंग में यहाँ पे ओपन हुआ लेकिन ओपन होने के बाद नीचे गिरा, अगर यहाँ पे ऊपर जाके सस्टेन होके रिवर्स होता तो ये आप बाय कर सकते थे। तो निफ्टी का ओवरऑल जो है कि अगर आप डेली में देखोगे तो अभी तक कुछ कन्फर्म बाय या कन्फर्म सेल भी नहीं मिला है कंसोलिडेशन में। नीचे जो सपोर्ट लिया था वो अभी तक इंटैक्ट है, वो था 11,460। मैंने आपको भी बताया वीकली में भी एक जगह लेवल ब्रेक होता है तो ज़्यादा पैनिक आ सकता है, तो वो लेवल अभी तक थोड़ा दूर है। लेकिन ऊपर वाला जो लेवल है जहाँ पे हमको कुछ बाइंग देख सकता है उसके भी आसपास निफ्टी है, लेकिन कन्फर्म बाय है कन्फर्म सेल अभी तक निफ्टी ने यहाँ पे आपको बताया नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी। निफ्टी देखिए अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखते हो तो निफ्टी जैसे कि 35 पॉइंट प्लस है और बैंक निफ्टी जो है कि 155 पॉइंट डाउन है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा यहाँ पे आपको डाउन दिखता होगा। तो वैसा रीजन है कि देखिए कि आज इनपी का रिजल्ट का रिएक्शन था, इन्फोसिस जो है कि 7% अप था, और जैसे कि इंडस बैंक इतना परफॉर्मेंस नहीं किया, यस बैंक है और आरबीएल बैंक है, तो ये देखिए ये सब नीचे है, तो इसके वजह से बैंक निफ्टी पे इम्पैक्ट आया और बैंक निफ्टी से भी थोड़ा ज़्यादा डाउन में दिख रहा है। ओवरऑल आप बैंक निफ्टी का चार्ट ही करो तो अभी तक ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं आया है, आज का दिन छोड़ के वैसा ही साइडवेज लग रहा है। लेकिन जब भी बैंक निफ्टी का लेवल जो है 30,243 जहाँ पे मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया है इसके नीचे जाता है तो ये ज़्यादा पैनिक हो सकता है। कल के लिए अगर आपको लेवल चाहिए तो हम लोग थोड़ा फिर से इंट्राडे में आते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के लिए कल अगर शॉर्ट करना है तो एक 30,500
30,353 के नीचे अगर आप इंट्राडे में इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाइंग के लिए ये जो लेवल है 30,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से ये देखिए कि बैंक निफ्टी आज यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये प्राइस एक्शन बनाया और प्रॉपर नीचे आ गया, तो ये लेवल कल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे अच्छा बाइंग बन सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के हमको ये लेवल है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्री भी देखिए तो थोड़ा सा ये डाउन है। यहाँ पे हम लोग देखते कि जो आरआईएल का जो रिजल्ट है वो शायद 19 तारीख को आने वाला है, फ्राइडे को, तो नेक्स्ट मंडे इसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन नॉर्मली ये रिजल्ट आने के पहले भी कुछ मूवमेंट करता है, लेकिन अभी तक वो ऐसा मूवमेंट यहाँ पर आया नहीं है। मैंने आपको बताया भी था कि जब मूवमेंट आना चालू होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए कि ये अपने लेवल के अंदर ही यहाँ पे घूम रहा है। जो आज क्लोज हुआ वो भी एक लेवल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, जो है 1276। तो इसके नीचे एक शॉर्ट बनता है जो आज करीब करीब 1269 के आसपास जाके आ गया। ऊपर बाइंग बनेगा 1287 के ऊपर बाइंग बनेगा। तो यहाँ पे ये लेवल के बाहर ही नहीं गया तो नए लेवल का कुछ ए नहीं होता है। और दूसरा जो आज जो कैंडल बना है ये थोड़ा सा नेगेटिव ही है, तो कल अगर ये लेवल ऊपर या नीचे का लेवल ब्रेक करता है तो वैसे ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। जो कल लेवल थे आज भी सेम लेवल पे हमको वही लेवल हमको मिल रहे कल के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको एलएनटी के बारे में बताया था, तो देखिए एलएनटी जो था 1461 के नीचे देखो कितना अच्छा डाउन साइड में आ गया। जो नीचे का अपना लेवल था 1426 लगभग उसके आसपास आके गया, पे बहुत अच्छा ट्रेंड मिल गया था एलएनटी का। तो एलएनटी का नेक्स्ट जो लेवल है 1426 है, उसके नीचे जाएगा तो और भी डाउन ये जा सकता है। तो कल के लिए भी आप शॉर्ट के लिए इसको देख सकते हो, लेकिन ये लेवल 1426 ब्रेक करेगा तो ही आप उसमें शॉर्ट करना। नहीं, जो कि इंफी के बारे में हमने बताया था, तो देखिए इसमें मैंने कुछ लेवल भी आपको बताया था, तो ये ऑल ऑफ अ सडन एकदम ऊपर ही ओपन हो गया। कभी ऊपर ओपन होने के बाद कभी क्या होता है कि वापस रिट्रेस होता है, मैंने आपको बताया तभी। लेकिन देखिए कि कुछ लेवल्स है तो लेवल के ऊपर कैसा क्लोज हो गया, मैं थोड़ा आपको इंट्राडे में बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे इंट्राडे में जैसे कि ये जो ओपन हुआ था एक नेगेटिव कैंडल बनाया, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल का देखिए कि इसने लो ब्रेक नहीं किया और जो ये जो कैंडल बनाया था पहला वाला उसके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी था। तो ऐसा कभी गैप अप भी होता है तो आप इसमें ऐसे ट्रेड कर सकते हो। और जैसे कि इंफोसिस है, इसको हम लोग डेली में चार्ट देखते हैं, तो डेली में देखिए कि इसने पहले वाला जो हाई थे, ये जो दो हाई थे ये कैसे ब्रेक करे, और करने के बाद इससे भी और ऊपर गया, तो यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि अभी देखो रिजल्ट आ गया, तो रिजल्ट के दिन में इतना ऊपर गया, फिर से ये 773 ये ऑल टाइम हाई के यहाँ पे रिट्रेस करके फिर से ऊपर भी जा सकता है। तो अभी ये कल के लिए आज के हाई के ऊपर के भी आप बाय कर सकते हो, या आप वेट कर सकते हो यहाँ पे रिट्रेस हो के, कभी आपको फिर से आपको चांस मिले यहाँ पे आप ट्रेड करो। तो इसमें आप आने वाले दिन में भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, अच्छा चार्ट बना है इसका। तो आईटी जो था सेक्टर आज ऊपर था, इसलिए कि जो निफ्टी आप देख रहे हो वो पॉजिटिव है, लेकिन जो बैंकिंग स्टॉक था जैसे कि इंडस बैंक, तो इसका भी रिजल्ट का असर था। और उसके बाद डीएचएपएल देखिए, जैसा मैं डीएचएपएल में जैसा मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी स्टॉक में प्रॉब्लम चल रहा है तो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए कि डीएचएपएल ने कितना नेगेटिव कैंडल बनाया। मैं इसमें कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक नेगेटिव होता है उसका रिजल्ट आता है या कुछ आता है तो और भी नेगेटिव होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन के बाद येस बैंक का भी रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए अगर आप कुछ एंटिसिपेशन में पहले ट्रेड करते हो तो संभल के रहना, क्योंकि देखो ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी इसके दो लेवल बताए 98 और नीचे 85, तो आज इंट्राडे में भी देखे कि ये लेवल पे इधर गया था, यहाँ से रिजेक्शन किया और नीचे आ गया। तो बताने का मतलब ये है कि रिजल्ट के लिए आप ऐसे कोई स्टॉक में बाइंग करके बैठ जाओगे तो रिजल्ट खराब आता है तो बहुत ही नीचे जाता है वो। तो इसलिए आप रिजल्ट के बाद डिसाइड करो कि अगर ऊपर के लेवल आते हैं तो आप उसमें ट्रेड करना है, वो लेवल मैं आपको बाद में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस ऐसे स्टॉक में आपको केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। दूसरा एक स्टॉक था जो कि बैंकिंग था आरबीएल, ये भी इतना नीचे गिरा, तो जो बैंक निफ्टी है वो गिरने का ये भी एक कारण हो सकता है।
लेकिन एक आरबीएल में और एक लेवल है, तो ये जैसा कि 600 और 593 ये लेवल के यहाँ पे आके देखिए कि यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनता है तो एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक दो दिन में नजर रखना है, यहाँ पे थोड़ा ये रिवर्स हो सकता है लेकिन पॉजिटिव कैंडल आने के बाद ही। और ये लेवल है 593, 603, 601, ये लेवल पे ही देखना, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि ये कल भी हो सकता है, मैं बहुत सारे स्टॉक ऐसे शेयर किया था आपको वो एक दो दिन या वीक के अंदर ऐसे इसमें की मूवमेंट होता है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए आज जैसे कि मार्केट एक थोड़ा फ्लैट साइज ही था, तो कुछ ज़्यादा स्टॉक ऐसे नहीं मिलेंगे कि आपको कल इंट्राडे के लिए करना पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ स्टॉक है कि एक वीक में इसमें कुछ तो मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि आईटी स्टॉक अच्छे चले तो यहाँ पे विप्रो भी देखे, तो विप्रो का भी रिजल्ट आई थिंक ड्यू है। तो विप्रो में देखिए कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल के यहाँ पे एक डोजी कैंडल आया, तो यहाँ पे ये रिवर्स होने का चांसेस लग रहा है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल आया तो आप डिलीवरी में भी देख सकते हो, लेकिन रिजल्ट के दिन में केयरफुली रहना। लेकिन कल भी इसमें अगर ये जो है कि विप्रो 261 के ऊपर अगर जाता है तो आपको एक इंट्राडे भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और ये जो 256 के नीचे जाता है तो थोड़ा 252 तक भी आने का एक चांस है। तो इसमें एक इंट्राडे भी है और यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल है तो डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी नजदीक है तो वो भी आप केयरफुली उसमें से ट्रेड करना। नेक्स्ट जो है कि हमने देखो सन फार्मा का, मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉटम बना था और ये ब्रेकआउट भी हुआ है, लेकिन एक थोड़ा गैप से ब्रेकआउट हुआ है, इसमें एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो कल जैसे कि आज के हाई के ऊपर अगर जाता है 427.75 के ऊपर तो एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये स्टॉक पे थोड़ा नजर रखना क्योंकि इसमें यहाँ पे अभी डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ से ये नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बन के और ऊपर जा सकता है या फिर से ये रिट्रेस हो सकता है जहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया है 410 के ऊपर, और आपको एक डिलीवरी ट्रेड भी मिल सकता है। तो ऐसे जो स्टॉक में कुछ पैटर्न बन रहे हैं, सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, आप डिलीवरी के लिए भी उसके ऊपर नजर रख सकते हो, आपको इसमें से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे मारुति। तो मारुति में देखिए कि मैं कुछ दिन पहले भी इसको ये किया था, शेयर किया था, और मैं पिछले बहुत ओल्ड वाला जो सपोर्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने शायद बताया था भी आपको, नहीं भी आपको याद रहेगा तो आप भी देखो कि ये सपोर्ट के ऊपर इसने अच्छा सपोर्ट ले रहा है और एक बेस बना रहा है। तो यहाँ पे एक डिलीवरी भी कॉल लेंगे तो 8596 का टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर और कल के लिए भी यहाँ पे अच्छा कैंडल आया तो कल के लिए भी इसका जो हाई है जो 6096 उसके ऊपर आप कल भी इंट्राडे की अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है UPL, देखिए अभी आज मुझे ऐसे इंट्राडे के लिए थोड़ा कमी स्टॉक मिले, लेकिन UPL में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गिरावट के बाद एक जो कैंडल आया, ये बाइंग प्रेशर कैंडल है, यानी कि थोड़ा बहुत हैमर जैसा है, कंप्लीट हैमर नहीं है, बट इसमें बाइंग प्रेशर थोड़ा दिख रहा है। कल के लिए आपको 640-650 के ऊपर इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, एक पैटर्न अच्छा बना है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इतने स्टॉक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आपको ट्रेड लेना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके आप इसमें ट्रेड कीजिए, क्योंकि ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का स्टडी है, ये मेरे टेक्निकल लेवल्स है, ऐसा नहीं कि कल मार्केट ऐसा ही चलना चाहिए। और जिन दोस्तों को मेरे साथ आके थाने मुंबई में टेक्निकल से सीखना है तो आप आके सीख सकते हो, उसके डिटेल में यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। और दोस्तों आने वाले सैटरडे को 20 को हमारा फ्री ट्रेनिंग है जो मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है, तो जिनको भी इंटरेस्ट रहेगा हमारे साथ आके 2 सीखना है टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, उसका क्या बेनिफिट है, ये आपको 2 में आपको सिखाऊंगा, तो उसके डिटेल में आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, तो ये देख के आप आ सकते हो। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और आपके कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।